आज के वीडियो से मैं शुरू कर रही हूँ एक नई सीरीज जिसको मैंने नाम दिया है मन की बात। इस मन की बात में मैं वीडियो के एंड में कुछ अपने मन की बात करूँगी और आप भी चाहे तो कमेंट सेक्शन में जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज। किचन काउंटर टॉप हमारे किचन के इतने इम्पॉर्टेंट एरियाज में होता है कि वो पूरा टाइम दिन भर काम आता है, तो हमको उसको इस तरह से अरेंज रखना चाहिए कि जो हमारा बेसिक सामान होता है हमको हर समय चाहिए वो हैंडी रहे, और जो हम उस पर कुछ भी लाके रखते रहते हैं वो टाइम टू टाइम रिमूव करते रहे। आज के वीडियो में मैं आपको मैंने अपना किचन काउंटर टॉप किस तरह से अरेंज किया है वो शो करने जा रही हूँ। साथ ही मैं काउंटर टॉप के ऊपर और कैबिनेट्स के जो नीचे का स्पेस होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगी कि हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल हो सकता है कि आप अपना किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको हेल्प कर सकते हैं और स्पेस सेविंग आइडियाज़ भी उसमें आपको मिलेंगे। आज के वीडियो से मैं शुरू कर रही हूँ एक नई सीरीज जिसको मैंने नाम दिया है मन की बात। इस मन की बात में मैं वीडियो के एंड में कुछ अपने मन की बात करूंगी और आप भी चाहे तो कमेंट सेक्शन में जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस तो हम बनाते ही रहते हैं, जो चीज़ें हमको पता होती हैं उनके लिए हम वीडियोस बना देते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भी जानना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आज से ये सीरीज शुरू होने जा रही है। एट प्रेजेंट मेरा ये काउंटर टॉप इस तरह से रहता है, पहले भी मैं आपको अपने किचन टूर में और वीडियोस में शो कर चुकी हूँ, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल इस पर कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया था और बीच बीच में रीअरेंज करना भी अच्छा रहता है जिससे कि हमको पता रहे कि जो चीज़ एक्स्ट्रा है हम उनको हटा सकें। सामान हटाने के बाद में ये प्लेटफॉर्म मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी जिससे कि जो जगहों पर पहले क्लीनिंग नहीं होती थी वहाँ पर भी क्लीन हो जाए और हम जब सामान रखेंगे वो हमारा ढंग से सेट हो जाए। स्टार्ट करने में मैं सबसे पहले ये वाला ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ, कॉर्नर रैक कहते हैं इसको। जिन जिन प्रोडक्ट्स का मुझको लिंक मिल जाएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और तो ये मेरा गैस का पाइप जब से ऐसे लगा है ये इसका कटिंग ही नहीं हो पाया है, कभी हो पाएगा तो तब की तब देखेंगे। मैं यहाँ पर इसको हाइड भी कर देती हूँ और इस तरह से ये रुक जाता है पाइप। अभी पूरा मैंने अरेंज कर लिया है ये 3-tier रैक। इसमें आप ये ध्यान रखिए जो इसकी ये वायर्स होती हैं उनके बीच में कोई चीज़ गिरे नहीं, तो उसके लिए आप इसमें कोई ट्रे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक ढक्कन यूज़ किया हुआ है, पुराने डिब्बे का था, नहीं तो आप कोई ट्रे भी लगा के लगा सकते हैं जिससे कि जो ये छोटी चीज़ें रखते हैं वो बैलेंस्ड रहे। और यहाँ पे जो मेरा कुकिंग में हर समय मुझको सामान चाहिए होता है जैसे हींग है या फिर मसालेदानी है, अचार खाने के टाइम हमको चाहिए ही रहते हैं। ऊपर ये थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है, चाहे तो हम इस कंटेनर में ऑयल रख सकते हैं। ये ऑयल के लिए सिरेमिक एक जार है लेकिन इसको मैं खाली ही रखती हूँ, सिरेमिक का जार है, देखने में अच्छा लगता है। इस बर्नी में ज़रूर मेरा बीच बीच में अचार फिल होता रहता है। ये कॉर्नर रैक के बगल में ही एक मैं ये 2-tier रैक प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था ये मेरा वर्क ट्रायंगल है, खाना बनाते टाइम यहाँ पे सब चीज़ें मुझको सामने ही मिल जाती हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बहुत काम आते हैं और स्पेस सेविंग भी रहते हैं, के ऊपर एक चीज़ आ जाती है, मल्टी लेवल रहते हैं। इन रैक्स का मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये सब वायर्ड रैक्स होते हैं। नीचे अगर आपको ऐसी चीज़ रखनी है जो नीचे गिर सकती है या अनस्टेबल है, तो कोई ट्रे या आप कोई पुराना अपना किसी डिब्बे का ढक्कन या कुछ भी ऐसा आइटम लगा सकते हैं जिससे कि ये स्टर्डी रहे, नहीं तो इसमें से कोई चीज़ गिरेगी तो वेस्ट भी होगी या टूट सकती है। एक चॉपिंग बोर्ड का मार्बल निकल गया था उसको भी मैं यहाँ पे रख के, जो मेरा अदरक कूटने का मॉर्टर एंड पेस्टल रहता है और शेक भी नहीं होता। कॉर्नर रैक के सामने ही ये जितना मेरा कटिंग चॉपिंग में काम में आने वाली चीज़ें रहती हैं, नाइफ्स या फिर सीजर, रिक्सा होल्डर है, वो यहाँ पे रखती हूँ जिससे कि वर्क करने टाइम आराम से हमको सब चीज़ें मिल जाए।
और साथ ही में ये लॉन्ग ट्रिवेट जब हमें ज़रूरत हो तो हम इनको इस स्टैंड को नीचे रख लेते हैं, गैस पे से कोई चीज़ उतार के रखनी है, अदरवाइज़ इसको हम ऐसा वर्टिकल ही रखते हैं जिससे कि स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। बाकी के जो ये स्मॉल ट्रिवेट्स हैं वो मैं ये वाले अपने स्टैंड के नीचे डाल देती हूँ। अब आ जाते हैं अपने हॉब के दूसरे साइड पे, और यहाँ पे मैंने अपना ये साइड किस तरह से अरेंज किया है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। एक साइड में क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लग पॉइंट आता है तो ये कॉफ़ी मेकर कॉर्नर में ही रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कॉफ़ी मेकर का किस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, ये एक मैंने कॉफ़ी स्टेशन टाइप का बनाया हुआ है वो मैं आपको शो करूँगी बाद में। आपके साइड में ही ये स्पाइसेस का स्प्रिंकलर का सेट रखा हुआ है जिसमें मेरे हर समय जो मसाले यूज़ होते हैं, चाय मसाला, काली मिर्च, दालचीनी पाउडर, काम करते टाइम जो हमको किचन टॉवल्स चाहिए होते हैं वो इस तरह से रहते हैं। ये मेरा जो यूटेंसिल होल्डर है इसमें जनरली मेरे जो ये वुडन स्पैचुलर्स होते हैं वो रहते हैं, या फिर जो चीज़ें बहुत ही कम यूज़ होती हैं जैसे लाइटर, कभी कभी गैस में ज़रूरत पड़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम है तब। सो इन दिस वे मेरा राइट साइड का जो हब का प्लेटफॉर्म है वो अरेंज रहता है। ये वायर भी देखिए पूरा पीछे बैक में चला जाता है तो हिडन हो जाता है, देखने में भी नीट लगता है। मैं यहाँ पे आपको अपने प्लेटफॉर्म को नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये बता रही हूँ। जो भी आप इस तरह से अपने कोई भी आइटम्स प्लेस करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके नीचे आप एक ट्रे लगा के रखेंगे या कोई आप हॉटपॉट स्टैंड लगा सकते हैं तो आपको किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन करना ईजी हो जाएगा। जब आपको वाइप आउट करना है तो सिंपली आप ये ट्रे आगे मूव कर लीजिए, पीछे वाइप कर दीजिए और ये ट्रे को आप फिर वापस उस जगह पे रख सकते हैं। ये मैंने आपको जो ओवर द काउंटर टॉप मेरा सब अरेंजमेंट था वो शो किया। अब मैं अबव द काउंटर टॉप किस तरह से अपना स्पेस का यूटिलाइजेशन करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैंने लगवाई है ये एक यहाँ पे रॉड, रेल भी बोलते हैं इसको, ये मैंने आइकिया से ली थी। पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह का सामान आ जाता है जो आपको कुकिंग के टाइम चाहिए होता है। इस तरह की रॉड आपको हार्डवेयर शॉप्स पे भी मिल जाएंगी, आप चाहें तो ये अपने बैक स्प्लैश पे लगवा सकते हैं। और ये हुक्स भी इसी के साथ आए थे। कुछ भी हैंग करने के लिए सबसे पहले हम इस रॉड के अंदर ये हुक्स लगा लेंगे। मैं जनरली इन हुक्स में लगा के रखती हूँ कॉफी मग्स। एक अभी धुलने में गया हुआ है, एक यहाँ पे लग जाता है। इसके बाद में बकेट्स आती हैं इस तरह की रॉड में ही लगाने के लिए, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। बकेट्स में हम जो डेली में हमारे छोटे छोटे आइटम्स रहते हैं इधर उधर फैले पड़े रहते हैं वो हम इजीली डाल के रख सकते हैं और कुकिंग के टाइम हमको ढूंढने भी नहीं पड़ते। तो ये सिलिकॉन स्पैचुलर्स, ब्रशेस, इस तरह के आइटम मैंने ये वाली बकेट में प्लेस करे हुए। इस वाली बकेट में ये जितने भी मेरे टूल्स रहते हैं, आइसक्रीम स्कूप है या फिर ये कोकोनट ओपनर है, ऐसी सब चीज़ें मैं यहाँ पे प्लेस कर लेती हूँ। हैंडी भी रहती हैं और खोती भी नहीं है, जब भी ज़रूरत होती है हम इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अंडर द कैबिनेट स्पेस यूटिलाइज करने के लिए हम इस तरह के हैंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके किसी भी कैबिनेट के अंदर इजीली लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया हुआ है अपना ये कॉफ़ी स्टेशन बनाने के लिए। कॉफ़ी मेकर तो यहाँ पे रखा हुआ ही है और साथ ही में ये शुगर भी इधर रहती है और कॉफ़ी का जार भी मेरा यहीं पर रखा रहता है। पूरा हमारा कॉफ़ी स्टेशन तैयार है तो इसी के ऊपर यहाँ पे ये मैंने कॉफ़ी मग्स भी लगा के रखे हैं तो जब ज़रूरत है यहीं से हम इनको यूज़ कर लेते हैं। कैबिनेट हुक्स को आप मग्स की जगह ये छोटे छोटे चीज़ें अपने यूटेंसिल्स रहते हैं वो भी हैंग करने में यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे यही लगा के रखती थी जब तक कॉफ़ी स्टेशन नहीं बनाया था, जिनमें ये होल्स रहते हैं तो आपकी चीज़ें हैंडी भी हो जाती हैं और देखने में भी अच्छी लगती है, साथ ही में आपका ये स्पेस भी पूरा यूटिलाइज हो जाता है। अदरक चाय बनाते टाइम तो ये भी आप ऐसे हैंगर्स में लगा के। काउंटर टॉप के ऊपर सिंक के साइड में जहाँ पे हमारा एक्वा गार्ड रहता है ये स्टैंड रख के प्लेस करके रखती हूँ। ये मिट्टी का मटका और इसका ठंडा ठंडा पानी पीने में हमको बहुत मज़ा आता है। अगर आपने मेरा बॉटल्स वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको मटके में पानी पीने के फ़ायदे बताए हुए हैं। आजकल गर्मियां चल रही हैं तो उस पर्पज़ से हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है मिट्टी का मटका। यहाँ से एक्वागार्ड से हम डायरेक्ट पानी भर लेते हैं और बगल में ही थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स यहाँ पे ये वास में मैंने लगा के रखे हुए हैं।
तो किस तरह से मैंने ये अपना काउंटर टॉप और अबव द काउंटर टॉप अरेंज किया हुआ है वो मैंने आपको आज शो किया। बहुत ज़्यादा मैं इसको ब्यूटीफाई भी नहीं करती हूँ क्योंकि किचन में हम जब काम करते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें बहुत जल्दी ग्रीजी हो जाती हैं और उनको क्लीन करना डिफ़िकल्टी होता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरा चैनल का लिंक और वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए। मन की बात में आज मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है वो बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि आजकल जो हम ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या वो सही है। फील होती है कि उनके अंदर पैकेजिंग इतनी ज़्यादा आती है वो आप एक एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। आई नो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छी होती है, पूरा हमारा लॉकडाउन ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से ही निकल गया, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता मैनेज करना। लेकिन जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्या इतना ऑनलाइन शॉपिंग पे डिपेंडेंट होना हमारे लिए सही है? सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के साथ में मैं आपसे मिलती रहती हूँ। किचन रिलेटेड पूरी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, एंड स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर।